नमस्कार, वेलकम टू मायास फूड। तो आज हम बनाएंगे रवा डोसा, वो भी बहुत ही परफेक्टली लेयर वाला जालीदार रवा डोसा। बहुत ही सिंपल से इसके मेथड्स हैं, लेकिन कुछ ट्रिक्स भी है, इसलिए वीडियो तो देखना पड़ेगा। बट आई एम श्योर कि जब आप वीडियो देखकर इस डोसे को ट्राई करेंगे तो अपसेट बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा ही परफेक्ट डोसा आप भी बना पाएंगे। तो रवा डोसा बनाने के लिए जो भी जिस मात्रा में मैं यहाँ पे चीजें ले रही हूँ वो ध्यान से देखिएगा। एक कटोरी मैंने यहाँ पे सूजी ले ली है, ये बारीक वाली सूजी हमें यहाँ पे लेना है, मोटी सूजी नहीं लेंगे हम। अब एक कटोरी सूजी के लिए हमने आधी कटोरी चावल का आटा यहाँ पे लिया है, और केवल 2 चम्मच यहाँ पे हम मैदा इसमें ऐड करेंगे। इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, 1 नींबू का रस। आप चाहे तो यहाँ पर दही भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने नींबू का रस यूज किया है। थोड़ी अजवाइन हम यहाँ पे क्रश करते हुए इसमें डालेंगे, और इन सभी चीजों को डालने के बाद इसमें हमें पानी ऐड करना है, तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अभी मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया है, इसके बाद मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। तो मिक्स करते हुए आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा। दोबारा से थोड़ा पानी डालेंगे, फिर से इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें सूजी है और चावल का आटा भी है तो ये पानी थोड़ा ज्यादा सोखते हैं। फिर से थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। अभी हमारा बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो फिर से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा बैटर चाहिए, ये काफी पतला है। और जब इस तरह से आपका बैटर तैयार हो जाए तो अच्छी तरह से इसे एक बार मिक्स कर लें। और इसे मिक्स करने के बाद ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी में ये है। अब हम इसे ढककर रख देंगे, तो लगभग आधे घंटे के लिए हमें इसे कवर करके रख देना है। तो आधे घंटे के बाद फिर से हम अपने इस मिश्रण को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और यदि आपका मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आप चाहे तो इसमें टेस्ट के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको प्लेन ही डोसा पसंद है तो आप इसमें ऐड नहीं भी करें तो भी चल जाएगा। से मिक्स करिए और देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, ये बहुत ही पतला है। तो अब जिस पैन में भी हमें ये डोसा बनाना है तो थोड़ा सा इसमें यू ऑयल डालकर, कोई भी किचन टॉवल लेकर इसे इस तरह से साफ कर लीजिए। ऑयल नहीं रखना है हमें इसमें, और पैन हमारा अच्छी तरह से गर्म चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर हमें ऐड करेंगे इस तरह से, देखिए जाली इसमें क्रिएट होगी। इस तरह से थोड़ा फैलाते हुए, और अभी इसे टर्न नहीं करना है। इसे जब यहां से हमें थोड़ा थोड़ा रेड रेड दिखाई देगा कि हमारा डोसा बन गया, इसके बाद ही हम इसे टर्न करेंगे। जब ये थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगे तो थोड़ा थोड़ा सा ऑयल हम इसमें डालेंगे, कुछ बीच में कुछ साइड से थोड़ा थोड़ा ऑयल इसमें डालिए। काफी लोग डोसे को इस सिचुएशन पे टर्न करने की कोशिश करते हैं और फिर वो टूट जाता है, तो अभी इसे हमें टर्न नहीं करना है। जब यहाँ पे हमें थोड़ा सा जला जला सा पार्ट दिखाई देगा इसके बाद ही हम इसे टर्न करेंगे। अभी काफी अच्छी तरह से पक रहा है, क्रिस्पी हो रहा है, तो हमें क्रिस्पी डोसा चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अब देखिए काफी चेंज हमारे इस डोसे में आने लगा है, साइड साइड से ये क्रिस्पी जैसा होने लगा है हमें, ये देखिए बीच बीच से हम देख सकते हैं। और अब इसे थोड़ा थोड़ा सा हम यू साइड से हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी पूरी तरह से टर्न हमें नहीं करना है। आप यहाँ पे भी हाथ लगा के थोड़ा चेक कर सकते हैं, तो ऊपर वाली लेयर भी जो है इसकी, यहाँ का भी मॉइस्चर हट चुका है। और अब देखिए काफी अच्छी तरह से ये रेड जैसा दिखाई दे रहा है, और अब हम इसे आसानी से टर्न कर सकते हैं। साइड से पहले इसे हटाइएगा,
फ्लेम को भी थोड़ा कम कर देना है जब आप डोसा को चारों तरफ से हटा रहे हो। और ये देखिए, अब मैं इसे टर्न करूँगी और काफ़ी परफेक्ट सा टेक्सचर हमारे इस डोसा का आया है। तो ये देखिए, बढ़िया जालीदार ये डोसा और काफ़ी क्रिस्पी ये डोसा बना है हमारा। एक और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। अभी दोबारा से हमें इसमें तेल ऐड नहीं करना है, फिर से बैटर को थोड़ा मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा करके बैटर ऐड कीजिए। एकदम से बैटर हमें नहीं डालना है, थोड़ी सी जाली भी इसमें क्रिएट होना चाहिए। अब ये देखिए, बैटर हमने इसमें डाल दिया है। जब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगे, इसके बाद हम इसमें तेल ऐड करेंगे। काफ़ी जल्दी से ये ड्राई हो रहा है, तो दोबारा से सेम उसी तरह से हम साइड साइड से भी तेल इसमें अप्लाई करेंगे। और थोड़ा सा ये जो गैप होते हैं यहाँ पे हमारे इस जालीदार डोसे में, तो यहाँ पर भी हम इसमें तेल अप्लाई करेंगे। और बस इसे भी सेम उसी तरह से हमें पकने देना है। सेम वही प्रोसेस के हमें टर्न करने में जल्दबाजी अभी नहीं करना है। तो देखिए, फिर से हम इसे टर्न करेंगे साइड साइड से थोड़ा निकालने के बाद। और ये देखिए, काफ़ी बढ़िया सा टेक्सचर आया है इसका। फिर से हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे एकदम बढ़िया से जालीदार डोसे बनके तैयार है, जो कि बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बने हैं। तो ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के लिए थैंक यू।